प्रणाम आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने आपसे पहले ओशो को बहुत सुना और ओशो को सुनकर भी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। तो आपको भी बहुत सुना, ओशो को भी बहुत सुना, लेकिन मुझे आप जैसे बोलते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ओशो ने बोला है, उनकी वो डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी पिछले जन्म में थी, फिर अभी फिर आ गई, और फिर उन्होंने इस पर और अपने मुक्ति की बात भी करी कि मैंने इतनी तारीख को ऐसे मुक्त हो गया था, और इसको आप बिल्कुल निरस्त करते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे तो सब ठीक लगता है, मगर आप निरस्त करते हो तो ये क्या है? मतलब ये समझ में नहीं आया, दोनों में आप में इतना वो क्यों है? और आपने भी आश्रम में उनका फोटो लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न रहता है। देखो भाई, जब वो मेरी उम्र के थे तो उनके पास बहुत बड़ी भीड़ लगने लगी थी। और जब वो 50 के आसपास के होने लगे थे, उसी समय अमेरिका में न जाने कितनी बड़ी ज़मीन खरीद ली थी, कम्यून बसा लिया था। ये सब ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूँगा। जिन्हें ज़मीनें चाहिए हों और भीड़ खड़ी करनी हो, उनके लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं वो करूँगा इस रास्ते पर। कोई समझे तो अच्छी बात, ना समझे तो अच्छी बात। हाँ, इतना है कि अगर लोग नहीं समझेंगे तो मैं अपनी ओर से और जोर लगाऊंगा, लेकिन झूठ तो नहीं बोलूंगा, जानबूझकर भ्रांति तो नहीं फैलाऊंगा। और उसके दुष्परिणाम बहुत घातक होते हैं। आप चले जाते हो, आपके पीछे आप जो जहर छोड़ करके जाते हो, वो समाज को शताब्दियों तक सालता रहता है। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो आपको और नींद में डाल दे, आपको वाकजाल में बांधने का मेरा इरादा नहीं है। तमोगुणी पोएट्री लगती तो बहुत प्यारी है, लगता है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वाह हा हा। लेकिन ज़रा ठहर करके विचार करोगे कि ये अभी अभी जो वाक्य बोला ये क्या था, तो वहाँ पर कई दोष पाओगे। बाकी आदमी बहुत साहसी थे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है जिसमें मिलावट की जा सके, नहीं करनी चाहिए। आप अपनी ओर से सोचते हो कि हम चतुराई कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी तो मिलावट करी है, वो वैसे ही हो जाता है कि जैसे आपने पानी में बस एक बूंद जहर डाल दिया है, थोड़ी सी तो मिलावट करी है। उसके अलावा ये एक पुरानी सी बात है, देखिए, एक झूठ को सही साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब एक बार तुम बोल दोगे कि ये हुआ था, मेरा पिछला जन्म हुआ था, फलानी चीज़ें थी और इससे संबंधित कई बातें, तो फिर तुम्हें उन बातों को जायज ठहराने के लिए 50 बातें और बोलनी पड़ेंगी और करनी भी पड़ेंगी। मुझे ज़रा सीधा सरल रहना है, तो मैंने ये भी नहीं कहा कभी कि मेरा एनलाइटनमेंट वगैरह नहीं हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना मुद्दे को भस्म ही कर दें। मैंने कहा ना हुआ है ना होगा, क्योंकि होता ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ होती हो तो ना होगी, ना हुआ है ना होगा, अभी से बोले देते हैं। और ये भी बोल दिया है कि अगर कभी बोल दूं कि हो गया तो बहुत जूते मारना, एकदम मारना और भाग जाना दूर नंगे पांव, जूता उठाने भी वापस मत आना। तो ये सब दंड फंद है, चालाकियां, चालबाजियां, झूठ
सीधे सीधे कहो तो फरेब, और इस तरह के बहुत किए गए हैं, सबके द्वारा किए गए हैं, नहीं करना। यही करना होता तो बहुत रास्ते थे, उन रास्तों को इसलिए नहीं छोड़ा था कि फिर गंदे काम करें।